हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका सिंह। पिछले क्लास में हमने प्रजातंत्र के गुणों को जाना था। इसके अंतर्गत आज हम कुछ और पॉइंट्स को जानेंगे और इसके बाद हम प्रजातंत्र के मूल्यांकन को समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था के लिए प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी होती है या नहीं, प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए या नहीं। तो प्रजातंत्र के गुणों के अंतर्गत, इसके मेरिट्स के अंतर्गत आज का पहला पॉइंट है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। चूँकि हम जान रहे हैं कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में सब कुछ जनता के लिए ही होता है, जनता ही सर्वे सर्वा होती है, जनता ही सरकार को गठित करती है, जनता ही सरकार पर नियंत्रण रखती है और जनता के लिए ही सरकार का काम किया जाता है। जो सरकार जो गठित होती है वो जनता के लिए ही सब कुछ करती है, उसके लिए ही नीति बनाती है, उसके विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए ही योजनाएं तय करती है। तो सब कुछ जो है वो जनता के लिए ही होता है। तो जनता अपने आप को गर्व महसूस करती है और इसी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को मौलिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं, मौलिक कर्तव्य प्राप्त होते हैं, जनता के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सबको समान दृष्टि से देखा जाता है और हर व्यक्ति के विकास के लिए सरकार योजनाएं बनाती हैं और जनता अपने विचारों को पूरी स्वतंत्रता के साथ कह सकता है, अपनी उसकी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो इस तरह जनता के अंदर देश के प्रति, उस सरकार के प्रति सम्मान और ईमानदारी की भावना आती है और देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों को पूरी कर्तव्य निष्ठता के साथ निर्वाह करता है और आत्मनिर्भर बनता है। उसके अंदर उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है, वो देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझता है और उसकी भलाई के लिए हमेशा तैयार रहता है। व्यक्ति जिस भी पद पर काम करता है वो उस पद पर ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो इससे समाज का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और देश के भले के लिए ही होगा, क्योंकि ये सरकार जो है मेरी है और इस सरकार के अंतर्गत देश का प्रत्येक नागरिक समान है, कानून हमारा है, सरकार हमारी है। तो हर एक व्यक्ति की जो व्यक्तित्व का जो विकास है वो पूरी सफलता के साथ निकल कर सामने आता है, निखरता है। उसका व्यक्तित्व का पूर्ण विकास जो है देश की हर एक जनता का प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में पूरी तरह संभव हो पाता है। तो यह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण गुण है। इसके अंतर्गत हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक जागरण। इससे तात्पर्य यह निकलता है कि देश की जो जनता है, हम जानते हैं कि वोट देकर सरकार का गठन करती है, तो वोट वो किसको देती है? किसी पार्टी के उम्मीदवार को। तो जनता में इतनी समझदारी और वो शिक्षित भी होती है कि ताकि वो, तभी तो उसे पता चलेगा कि उसे वोट देना चाहिए। पहली बात तो उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि वो उसे वोट देना है और वोट देना है तो वोट किस पार्टी को देना है और जिस पार्टी के प्रतिनिधि को वह वोट दे रहा है वह सही है या नहीं है, वह अच्छा है या बुरा है, या जिस पार्टी को हम वोट दे रहे हैं और उसके प्रतिनिधि को चुनने के बाद वह सरकार हमारे लिए सही तरीके से काम करेगी या नहीं करेगी, देश की अर्थव्यवस्था किस तरह की है, सब कुछ, क्या नीति है, क्या योजनाएं हैं,
देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, इस सब का अच्छा सा ज्ञान, एक सुंदर सा ज्ञान, इसका पूर्ण रूप से जो ज्ञान जो है देश की जनता को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही संभव हो पाता है। देश की जो राजनीतिक जागरण जो है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देश के प्रत्येक नागरिक में अच्छे से संपन्न होती है। देश का प्रत्येक नागरिक अपने देश की स्थिति को जानता है, जागरूक होता है। क्यों क्यों इसका मेन रीज़न यही है, क्योंकि जनता यह जानती है, क्योंकि जिस सरकार को हम गठन करते हैं उसके हम निर्माता हैं, और यह सरकार जिसको हम गठित कर रहे हैं यह मेरे लिए ही काम करेगा, और यदि मेरी मर्जी हुई, यदि मुझे लगा कि यह सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो इस पर हमारा ही कंट्रोल होता है और हम इसे जब चाहे हटा सकते हैं, जब पुनः मतदान होगा, वोट होगा। तो इन सब चीज़ों की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, तो वो देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने मौलिक अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति जागरूक होता है, तभी तो वह इन सब चीज़ों का ज्ञान रख सकता है। तो मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता जो होती है वह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता में पूर्ण रूप से विकसित होती है। तो ये भी एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण गुण है। और इसके अंतर्गत हमारा लास्ट पॉइंट है शासन की कुशलता, इफिशेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका तात्पर्य यह है कि हमने शुरू से अभी तक ये जाना कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सब कुछ जनता के लिए ही होती है, जनता ही सरकार को गठित करती है और जनता के लिए ही सरकार काम करती है, जनता का सरकार के ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो आप ही समझिए कि जिस सरकार को गठित किया जनता ने, तो जनता को उस सरकार से कोई शिकायत शिकवा नहीं होगा, और जिस सरकार का गठन हुआ उसके अंतर्गत जो व्यक्ति जिस पद पर आसीन हुए उन्हें भी इस बात की खुशी होती है कि उस देश की जनता उसे अपनी मर्जी से इस पद पर आसीन की है, तो वह अपने जिम्मेवारी को भी पूरी ईमानदारी से निभाता है। तो इस तरह जनता और सरकार दोनों के बीच मधुर संबंध स्थापित होता है। तो जितना मधुर संबंध जनता और सरकार के बीच किसी देश में होगी, तो वहाँ पर शासन को चलाना उतना ही सरल होता है। तो इसी शासन व्यवस्था में, अर्थात लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही यह संभव हो पाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह की विद्रोह या क्रांति की संभावना नहीं रहती है। तो शासन भी कुशलता से संपन्न होता है। तो इस तरह हमने बहुत से पॉइंट्स जाना कि लोकतंत्र के कौन कौन से मेरिट हैं। तो अंत में, जैसे कि मैंने पिछले अपने कुछ वीडियोस में आपको सबसे पहले लोकतंत्र के कुछ डिमेरिट्स को बताया था, और अब हम लोकतंत्र के कुछ मेरिट्स को भी जान गए हैं, तो अब इससे लास्ट में हमारा कंक्लूजन यह निकलता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये ठीक है कि कुछ बुराइयां हैं, कुछ दोष हैं, कुछ डिमेरिट्स हैं। एक आम आदमी में, किसी एक व्यक्ति में भी कुछ बुराइयां और कुछ अच्छाइयां जरूर होती है। तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो जितनी इसकी बुराइयां हैं उसके ऊपर उसके जो मेरिट हैं उसका वजन काफ़ी ज़्यादा है। वो अगर उन छोटी मोटी बुराइयों को दूर कर दिया जाए, उसकी डिमेरिट्स को दूर कर दिया जाए, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से बेहतर, उससे सर्वश्रेष्ठ कोई भी शासन व्यवस्था नहीं हो सकती है। क्योंकि इसका मेन रीज़न यही है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एक ऐसी इकलौती शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा ही गठित होती है, जनता के लिए ही काम करती है, और इस पर संपूर्ण नियंत्रण जनता का ही होता है। जब जनता ही खुश रहेगी तो जाहिर सी बात है सरकार का काम भी अच्छे से ही हो पाएगा। तो ये सारे, इतने सारे गुण जो मैंने पिछले वीडियोस में और आज भी मैंने बताया, तो उन सबको अगर हम ध्यान में देते हैं तो
इतनी अच्छाइयां हैं कि वो बुराइयां जो है वो अक्षुण लगती हैं। तो समय समय पर सरकार को और जनता को अपनी जिम्मेवारी को समझना चाहिए और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जो कुछ बुराइयां हैं, जो कुछ डिमेरिट्स हैं, उनको दूर करते रहना चाहिए और तब जाकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और भी बेहतर और सुंदर तरीके से अपनी सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो पाएगी। इस तरह हमने प्रजातंत्र के मूल्यांकन को पढ़ा। अब हम नेक्स्ट क्लास में भारत में प्रजातंत्र की स्थिति कैसी है इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने प्रजातंत्र के अर्थ को समझ लिया है, प्रजातंत्र की परिभाषा को हमने जान लिया, प्रजातंत्र की सफलता की कौन कौन सी शर्तें हैं उसे भी हमने जान लिया और प्रजातंत्र के मूल्यांकन के अंतर्गत उसके गुण और उसके दोषों को भी जान लिया। इन सब चीज़ों को समझने के बाद सबसे लास्ट में अब हम यह जानते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं, भारत में हम रहते हैं, तो यहाँ भी प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो इसकी स्थिति कैसी है, भारत में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था कितनी सफल है और कितनी नहीं है, इन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।